आपने अभी अगर पीएफ विड्रॉ के लिए फॉर्म भरा था और आपका भी फॉर्म कुछ इस प्रकार से हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है सेटल्ड बट रिटर्न। रिटर्न का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो गया। तो रिटर्न होने का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर आपका एक बार आप फॉर्म फिलअप किए तो यहाँ से सबमिट होने के बाद, जैसे कि ये 2-3 स्टेप में आपका पीएफ ऑफिस, उसके बाद से सभी प्रोसेस होने के बाद ये बैंक के पास आपकी डिटेल पहुँचती है। तो बैंक के पास जैसे ही आपकी डिटेल पहुँचती है, उसके बाद वहाँ पर जैसे कि अगर आपका अकाउंट नंबर में कोई भी डिजिट मिस्टेक है, या तो या आपका यार रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपका रिटर्न हो जाता है वहाँ से वो आपके अकाउंट में। और उसके बाद अगर आपका आईएफएससी कोड, जैसे कि अभी कुछ कुछ बैंक के यहाँ पर मर्ज हुआ है, तो यहाँ पर आईएफएससी कोड उसका चेंज हुआ है, तो आईएफएससी चेंज होने के कारण यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो सकता है। आईएफएससी कोड अगर चेंज हुआ होगा तो भी आपका यहाँ पर जो आपका सेटल्ड दिखाएगा, लेकिन आपका अमाउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप सेटल्ड बट रिटर्न। तो इसके लिए आपको अपने वहाँ पर पासबुक, पीएफ पासबुक में लॉगिन करके चेक करेंगे 10 से, यहाँ पर जैसे कि जब भी रिटर्न हो रहा है उससे 10 से 15 दिनों के अंदर आपका वहाँ पर अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको उतने में भी रिटर्न नहीं होता है तो आपको वहाँ पर ग्रेवियंस का फॉर्म वहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सारे डिटेल्स चेक करने के बाद आपको वहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। और इसको अगर ठीक करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपने बैंक में जाइए, वहाँ पर आप पहले आपको वेबसाइट में चेक कर लेना है कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है वो सही है, और आईएफएससी कोड चेक कर लेंगे। और अगर उतना में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधे आप उसमें जाइए अपने बैंक में, आपका आईएफएससी कोड अगर चेंज हुआ होगा तो उसको पता करिए, और यहाँ पर नेक्स्ट बार जब आप विड्रॉ करेंगे आपका यहाँ पर एडवांस पीएफ या पूरा पीएफ विड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपको अपना आईएफएससी कोड वहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सेटल्ड बट रिटर्न का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका पीएफ सीधा सेटल्ड हो जाएगा वहाँ से। 10 से 15 दिनों में अगर आपके पीएफ जो अकाउंट है उसमें अगर आपको रिटर्न यहाँ पर आपका अमाउंट रिटर्न यहाँ पर शो नहीं होता है, तो आपको ग्रेवेंस फॉर्म भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अमाउंट वहाँ पर फंसा ही रह जाएगा। तो ग्रेवेंस फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पर आपको आपके जितना भी अमाउंट वहाँ पर आप विड्रॉ किए थे और रिटर्न हुआ था तो आपके पीएफ अकाउंट में शो होने लगेगा, नहीं तो आपका वो बैलेंस वहाँ पर आपका फंसा का फंसा ही रह जाएगा।